press the bell icon on the YouTube app and never. आज नई जो चीफ मिनिस्टर है आची, जो कि 42-43 साल की है, वो आई है. मुझे उनकी तकरीर में से एक बात तो अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि आज भी चीफ मिनिस्टर वही है. ठीक है, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने कहा है. लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की है. भारत के लोग शायद इसको ज्यादा अप्रिशिएट ना करें, लेकिन हमारे जिस मुल्क से मैं आया हूँ, वहां पे इस तरह का कोई रिवाज नहीं है. हमारे कोई रिजाइन नहीं करता सर, कोई बिल्कुल नहीं. उनको मैं कहता हूं कि उनको चाहिए कि वो देखें. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें. जय हिंद, जय भारत. भारत के हवाले से जो सबसे बड़ी है, पिछली दफा मैंने जब केजरीवाल साहब की बात की थी, तो मुझे उसके रिएक्शन में कई गालियां भी आई. मेरे कई दोस्तों ने कहा कि बहुत बुरा इंसान है आपने इस तरह की. लेकिन मैं एक एनालिस्ट हूँ. मैं पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ. मैंने अपनी ओपिनियन देनी होती है. ओपिनियन से मुराद है कि आज उन्होंने एक बड़ा स्टेप किया, उन्होंने रिजाइन किया, फिर उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी दी. अच्छा, मैं उनको बुरा इस तरीके से कहूंगा, आपकी बात मान लूंगा. अगर दिल्ली के रहने वाले 2 करोड़ लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, मैं भी रिजेक्ट कर. लेकिन बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर उन्होंने 70 सीटों में से 67 सीटें ली थी. फिर 2022 में उन्होंने 62 सीटें ली थी 70 में से. दिल्ली के लोगों को अगर उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो मैंने उस पे जाना है कि लोग उनको पसंद करते हैं. क्यों पसंद करते हैं, अब उन लोगों से पूछो किस तरह पसंद करते हैं. आज उन्होंने रिजाइन किया है, बल्कि मैं मिसालें देता हूं. आज उन्होंने रिजाइन किया है, करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस है, मैं मानता हूं, वो तो भी प्रोसेस चल रहा है. लेकिन आज उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा कि मैं वोट ऑफ ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लूंगा अपने दिल्ली के लोगों से, मैं रिजाइन कर देगा. लेकिन ये बताऊं, पहले 2 दफा लोग उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी दे चुके हैं. आज नई जो चीफ मिनिस्टर है आची, जो कि 42-43 साल की है, वो आई है. मुझे उनकी तकरीर में से एक बात तो अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि आज भी चीफ मिनिस्टर वही है. ठीक है, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने कहा है. लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की है. भारत के लोग शायद इसको ज्यादा अप्रिशिएट ना करें, लेकिन हमारे जिस मुल्क से मैं आया हूँ, वहां पे इस तरह का कोई रिवाज नहीं है. हमारे कोई रिजाइन नहीं करता सर, कोई बिल्कुल नहीं. उनको मैं कहता हूँ कि उनको चाहिए कि वो देखें, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी लोगों से लेने की कोशिश करें. ये एक बहुत खुशायन बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा. अगला टॉपिक जिसपे हम लब खुशाई करेंगे, वो है अफगानिस्तान के हवाले से. और ये अफगानिस्तान वही है कि आप पाकिस्तान की एक फेल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है. आप एक कदम पीछे सामने इनकी तरफ जाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, 1 कदम आगे. एक जो हमारे मुर्शिद पाक हैं, वो इनको ला के आबाद करते रहे यहाँ पे. जेलों में जो इनके लोग पकड़े गए थे, जिनके ऊपर कोर्ट्स ने सजाएं दी थी, उनको रिहा कर दिया गया. इनको अभी तक TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऑफिसेज मौजूद हैं, और वो लोग बंदूकें और पिकअप ट्रक लेके दंदनाते फिर रहे हैं KPK के अंदर. लेकिन मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता रहा हूं कि वो आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितने पहले बंगाली आपसे करते थे. आजकल तो आप बंगाली आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, आजकल तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं. पता नहीं, मैं कल भी ये किसी से बात सर न्यूक्लियर बनाने के लिए भी देख रहे हैं. उनके एक टीचर ने ये भी कहा है, शाहिदुज़मान है प्रोफेसर ढाका यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कल एक चाय के कप के अंदर तूफान खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि भाई हमें, बल्कि बिलखसूस उनका एक लफ्ज था स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज वेरी रिलायबल एंड डिपेंडेबल विद अस और समथिंग. ये 2 लफ्ज उन्होंने पता नहीं किस डिक्शनरी से निकाले, ट्रस्टवर्दी और मोस्ट रिलायबल पार्टनर होगा. और उन्होंने कहा कि भारत हमें मुसलसल पाकिस्तान से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है. अब ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा. ठीक है, पाकिस्तान का कभी हिस्सा थे आप, इसमें कोई शक नहीं है. अफसोस के साथ कि वो नहीं चल सका, लेकिन उसकी कई वजूहात थी.
मेरा पाकिस्तान है आज भी जख्मी है उनको, मैं हमेशा उसका बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, सिस्टम का, कंट्री का नहीं। कंट्री का मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरी मादर मिल्लत है, मैं वहां पैदा हुआ हूँ, मेरी शनाख्त है, मेरा डीएनए है वहां से। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने, वहां के रहने वालों ने 77 ईयर्स उसको रेप किया है उस कंट्री को, मैं उस सिस्टम के खिलाफ। लेकिन ये यही मैं कहूंगा अपने बंगाली भाईजानों से भी कि आप जरा देख कर समझ के, जरा संभल के सारे फैसले कीजिएगा। मालदीप भी एंटी इंडिया चलाई थी उन्होंने, चाइना के गीत गाए थे, चाइना से पैसे लिए थे, आखिरी किस्त उनसे देनी जारी कर्जों की $25 मिलियन, कुछ भी नहीं है। अमेरिका के अंदर लोग गाड़ी के डिग्गी में 25-25 मिलियन लेके फिर रहे होते हैं, उनसे किस्त नहीं दी जा रही, और इंडिया से बेल आउट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बेल आउट भारत कर रहा है। मजबूरी है उनकी, उसकी वजह यह है कि वो नहीं करेंगे तो चाइना करेगा, तो चाइना करेगा तो चाइना पहले ही उस रीजन के अंदर भारत को टफ टाइम दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि दो इस वक्त लोग जंगे या मुश्किल किस तरह पैदा करते हैं, के लिए अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को पैसे दे दे के करप्शन भी कर रहा है अमेरिकन सिस्टम, लेकिन रशिया को टफ टाइम दे रहा है। चाइना खुद सामने नहीं आएगा कभी भारत के, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है उनका, लेकिन जिस तरह के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे लोगों को करप्ट, वहां के जो सिस्टम को चलाने वाले हैं करप्ट लोग हैं, उनको पैसे देकर वो उनकी वफादारियां खरीद कर भारत को टाइम टाइम देता है। तो अल्टीमेटली इंडिया डजंट हैव एनी चॉइस, इंडिया इज वर्किंग विद मालदीव राइट नाउ। लेकिन बांग्लादेश के मैं अपने बंगालियों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी इकॉनमी और हालात ठीक करने की कोशिश करें। दो चीजें कर रहे हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो, डॉक्टर यूनस जो है वो आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, और मोदी साहब से साइड लाइन पे मिलेंगे जिसपे बात होगी हिंदुओं के सर्कमस्टांसेस हालात की। दूसरी, इस वक्त जो बांग्लादेश ट्राई कर रहा है, एफबीआई से कह रहा है कि हमारे करप्शन के पैसे ढूंढने के लिए जो अमरीका में घूम चुके हैं उसको हमें हमारी मदद करें। लेकिन मेरे ख्याल में एफबीआई क्यों आपकी मदद करेगी, एफबीआई के तो अपने प्रॉब्लम यहाँ पे, उनसे अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हो नहीं रही है जो रिपब्लिकन कह रहे हैं। हाँ सर, एक बार फिर फायरिंग हुई है मैंने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के यहाँ पे रैली चल रही है। नहीं हुई, अब उससे मैं उस पर बोलना चाहूंगा, बल्कि मैं फिर ज्यादा बोल दूंगा कि मेरा उस पर, एक तो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मैं उस कैंपेन का हिस्सा हूँ। दुख वाली बात यह है आरजू, मुझे ये बताया कि ये सारे हमले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर ही क्यों हुए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। 60 डेज के अंदर दूसरा हमला, 60 डेज, और ये सिर्फ क्या ख्याल है, लोग यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका के झंडे जलाते हैं, डेथ टू अमेरिका के बच्चे रोज नारे लगाते हैं, रोजाना बच्चे नारे लगाते हैं, वी आर हमास, लेकिन कभी किसी दूसरे सियासी लीडर के ऊपर कोई हमला नहीं हो, सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप क्यों। अब उसकी वजह फिर इशारे जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आज हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गुड फॉर द प्लैनेट, Not only for America, वो कहती है दुनिया के लिए खतरा है। अभी कल हमला हुआ है, आज हिलरी क्लिंटन ने स्टेटमेंट दे दी। फिर कभी कहा जाता है कि ये हिटलर है, कभी कहा जाता है कि ये अमेरिका को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहा है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन उस पर जो सबसे बड़ी, मैं इस वाक्य के हवाले से बात करना चाहूंगा आरजू, मैं 2016 से डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम करता हूँ हमेशा, आज भी मैं कैंपेन का हिस्सा हूं। उनका जो शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है, वो हमसे भी शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि वो सिक्योरिटी करते, उनकी सिक्योरिटी का इशू होता है। अब मुझे ये नहीं आज समझ आ रही कि इस बंदे के पास शेड्यूल कैसे था जो वहां पे बैठ गया और 400 गज के फासले पे कलाशन फो को AK-47 लेके वो कहते 12 घंटे बैठा रहा है, उसको कैसे पता था कि प्रेसिडेंट यहाँ आए। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा, इस सवाल का सर कोई अंदर का ही बता सकता है, उसको उसको किसी को किसी ना किसी के अंदर की सपोर्ट हासिल है उसको। जॉन एफ कैनेडी की जब इन्होंने शूट किया था तो पता नहीं 15-20 साल लग गए थे इनको उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कमेटी बना दी जाती है, कमीशन बना दिया जाता है जिसने कुछ ना करना हो, उसी तरह आज हालात है, एक वो टूटा फूटा सा पकड़ लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, FBI एजेंट ने उसके ऊपर फायर किया है लेकिन उसको अरेस्ट 50 मील दूर किया, और वो भी क्यों किया गया है, एक आई विटनेस ने उसकी गाड़ी की तस्वीर ले ली, ये भी एक क्वेश्चन मार्क। जब आपके सामने वो बंदा भाग रहा है, आपने उसको पकड़ा क्यों, 50 मील दूर क्यों पकड़ा। फिर वहां के शेरिफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द शेरिफ डिपार्टमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने जब हमने उसको पकड़ा था तो बिल्कुल बंदा ऐसा, उसका बिहेवियर था जैसे अभी पिकनिक से आ रहा है, उसके चेहरे के ऊपर कोई घबराहट नहीं। 58 ईयर्स ओल्ड,
लेकिन आरजू देखें, अगर मर्जी की अदालतों में मर्जी के जज मर्जी की ज्यूरीज के साथ अगर मसला हल ना हो तो फिर ये कोई हल तो नहीं, ये हल तो नहीं है कि आप गोलियां गोलियों का आप गोली से किसी को मारें, आप इस तरह रोकें किसी की पॉपुलरिटी को ऐसे करना हो। चले ये दुनिया की जमहूरियत के हालात, ये उस कंट्री की जमहूरियत के हालात हैं जहां इसकी हिस्ट्री 250 साल की है। 250 आज मुझे भारत की जमहूरियत अमेरिका की जमहूरियत से 100 दफा बेहतर लगती है। वो कैसे, अब देखें इलेक्शन कश्मीर के अंदर हो रहा है September 18, हरियाणा में 5 अक्टूबर को हो रहा है, महाराष्ट्र में नवंबर को हो रहा है, झारखंड और दिल्ली का इलेक्शन January 1। ये हर इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करेगी तो लोग किस तरह देंगे। अब मैं जिस तरह बता रहा हूं आप कि हरियाणा के अंदर मुश्किल है इस वक्त, बीजेपी मुश्किल नजर आ रही है, कश्मीर के अंदर मुश्किल नजर आ रही है, हुकूमत मुसलसल अपने आप को करेक्ट करती रहेगी, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करती रहेगी, इससे बेहतर सिस्टम कहां से आप लेकर आए। फिर इसी से रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा है मोदी साहब के परफॉर्मेंस पे, खासकर उन्होंने उसको नाम दिया है मोदी 3.0, और उन्होंने कहा कि इस साल इस वक्त उनकी 100 दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की, कुछ उन्होंने चीजें उसमें अच्छी लिखी, कुछ उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। उसमें उन्होंने ये एक बात खासकर लिखी है कि मोदी साहब इस वक्त एक गवर्नमेंट कोलिशन है लेकिन कैबिनेट में ज्यादातर तब्दीलियां उन्होंने नहीं की। फिर एक बात अच्छी उन्होंने ये भी की है कि मोदी साहब ने रिपोर्ट अपने मिनिस्टर से मांग ली है कि अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जाए, जिसके अंदर 39 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए के प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग थी, नई पेंशन स्कीम थी, इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांग ली। काश मेरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रिपोर्टें मंगाता पेश करता, काले बकरे ना होते, काला जादू ना होता, जिन ना होते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और उनके पॉजिटिव व्यूज से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।